उज्जैन में एक बार फिर महाकाल भक्तों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। यहां मुंबई से महाकाल दर्शन के लिए आए श्रद्धालु भैरव मंदिर में दर्शन के लिए गए, जहां फूल प्रसादी वालों ने उनके साथ जमकर मारपीट की है। दरअसल मुंबई से एक परिवार भगवान महाकाल के दर्शन करने आया था। महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना के बाद परिवार अपनी गाड़ी से काल भैरव मंदिर पहुंचा, जहां पूजा अर्चना कर जैसे ही पार्किंग से गाड़ी निकालने लगे तो प्रसादी दुकानदार मौके पर पहुंचे और जबरदस्ती उनकी गाड़ी में प्रसाद रखकर पैसे मांगने लगे। जब उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो मारपीट करना शुरू कर दी, जिसमें 4 श्रद्धालुओं को चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया है। हम बोरीवली से आए हैं, मुंबई से हम लोग आए हैं। हम लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आए थे। हम लोग काल भैरव मंदिर के यहाँ पे हमारा दर्शन ऑलरेडी हो चुका था, प्रसाद वगैरह हम ले के प्रसाद चढ़ा दिया था। हम पार्किंग की तरफ आ रहे थे, ये जो प्रसाद वहाँ पे जो स्टॉल लगाए हुए हैं जो लोगों ने, उन लोग आए और उन लोगों ने ज़बरदस्ती हमारी गाड़ी में प्रसाद डाल दिया पैकेट्स और बोला इसके पैसे भरो। तो हम लोगों ने बोला हम लोगों ने ऑलरेडी प्रसाद चढ़ा दिया है, दर्शन हमारा हो चुका है, तो अभी ये क्यों पैसे हम भरे, वो तो तुम्हारी गाड़ी हम आगे जाने नहीं देंगे। और 15-20 लोगों ने घेर लिया, उसमें से जो एक राजू करके जो मेन जो अभी उसका नाम राजू बोल रहे थे, हमको पता नहीं है, पर उस वहाँ पर ना वो उसकी ज़्यादा आवाज़ ज़ोर ज़ोर से चल रहा था, उससे हम लोगों को गंदी गंदी गालियाँ निकाली और बोला हम गाड़ी आगे जाने को नहीं देंगे। तो हमने बोला गाली क्यों निकाल रहे हो तुम लोग करके, तो हम ऐसे मेरे हस्बैंड और ये लोग नीचे उतरे ना, तो इनके ऊपर फटाक से अटैक किया। तो हम सब लोग इनको लोखंड से इनको रॉड मारा, तो हम लोग सब लोग फटाफट लेडीज सब नीचे उतरे, तो इन लोग ने ये लड़कियां है ना, ये लड़कियों को भी है ना किसी तरह गंदे तरीके से चेस्ट के इधर टच कर रहे, धक्का मुक्की कर रहे, मेरा ये क्या कपड़ा फाड़ा, ये नखून वगैरह मुझे लगा है, बाल खींचे मेरे मेरे छोटे लड़के को यहाँ पे इधर ये मारा है, बाम्बू से सर पे मारा है, बड़े बेटे को भी कपड़े फाड़े इसके। कितने जन आए सर? हम लोग 8 जन थे और वो लोग मोर देन 100 पीपल थे, पूरा जो एक साथ में अटैक किया हम लोग के ऊपर। और वो लोगों को हम लोग बोल रहे हैं ना हमको जाने दो, इसको इतना ब्लीड हो रहा है। ये इनको जो लगी कितने लगी है, क्या नाम है? इनका नाम है एडवोकेट अमरदीप भट्टाचार्य, उनको भी सर पे रॉड मारा है सर, लोखंड का सलिया मारा है रॉड, हम लोगों ने वो पुलिस स्टेशन में दिया है वो रॉड। एडवोकेट अनुपमा भट्टाचार्य, क्या मामला है? ये काल भैरव मंदिर पर आज सुबह श्रद्धालु हैं जो बम्बई से आए थे और एक मैजिक के माध्यम से जब वहाँ पर पहुँचे तो एक राजा भाटी नाम का आदमी है, उसकी दुकान के सामने मैजिक रुकी और फिर उन्होंने आगे बढ़कर किसी दुकान से प्रसाद और सामग्री खरीदी और फिर दर्शन करके जब ये लौटे तो ये राजा भाटी इनसे जिद करने लगा कि आपको मेरी दुकान से ही खरीदना चाहिए था। उसके बाद उसने मैजिक वाले के साथ भी मारपीट की और जो मुंबई से श्रद्धालु आए इनके साथ भी मारपीट हुई, दोनों पक्षों में मारपीट हुई। मुंबई के जो हमारे यहाँ श्रद्धालु आए उनके यहाँ से 3 लोगों को चोट लगी है, इनकी तरफ से 327 का मामला दर्ज किया जा रहा है। साथ में जो राजा भाटी को चोट लगी है उसके संबंध में भी अभी मेडिकल कराया गया, परंतु इससे रिलेटेड इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी SDM कलेक्टर साहब से भी चर्चा हुई है तो SDM और तहसीलदार भी मौके पर पहुँच रहे हैं और इसमें जो अवैध दुकानें होंगी अभी उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अरेस्ट हुआ है राजा भाटी हमारी कस्टडी में है, परंतु अभी क्योंकि वो इलाज करा रहे हैं तो इसलिए हम पहले उसको मेडिकल कराएंगे और उसके बाद जो परिस्थिति बनेगी उसके हिसाब से जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। आए दिन वहाँ पे इस प्रकार की हरकतें की जाती हैं वहाँ पे दुकानदार, ये बिल्कुल सही बात है, पहले भी इस पे कार्रवाई हुई है कुछ दुकानदारों द्वारा, ज़बरदस्ती लोगों से जो उनके दुकान के सामने रुकते हैं उनको ज़बरदस्ती सामान बेचने का प्रयास किया जाता है जो बिल्कुल अनुचित है। इसके संबंध में इन सभी को बाउंड ओवर भी किया जाएगा और जैसे मैंने आपको बताया कि कलेक्टर साहब से चर्चा हुई है, अगर इनकी कोई अवैध दुकानें हैं जो बिना परमिशन के तो उसको भी वहाँ से हटाने की कार्रवाई अब की जाएगी। वहीं SP प्रदीप शर्मा ने कहा कि श्रद्धालुओं के साथ मारपीट करने वाले राजा भाटी नामक युवक के खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज कर जिला बदर की कार्यवाही की जा रही है। इधर प्रशासनिक अमले ने कार्यवाही करते हुए काल भैरव मंदिर क्षेत्र में अवैध रूप से लगी दुकानों पर बुलडोजर चला दिया है। उज्जैन से संदीप पांडला की रिपोर्ट।